कुछ वक्त पहले तक जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले को संघर्ष और फैली अशांति के लिए जाना जाता था। हालांकि अब यहां की तस्वीर बदली बदली दिख रही है। इस बदलाव की बड़ी वजह क्रिकेट है। इस खेल का जुनून अब कश्मीर घाटी के लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। यहां के उद्यमी इस कोशिश में जुटे हैं कि पुलवामा को मुसीबतों से घिरे इलाके के बजाय बेहतरीन क्रिकेट हब के तौर पर जाना जाए। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के इस साल फरवरी में इलाके के दौरे के बाद से क्रिकेट के सामान खासकर बल्ले बनाने वाली कंपनियों का कारोबार काफी बढ़ा है। जब से सचिन सर आए हैं तब से तो बिल्कुल ही अचानक ऐसा हो गया, सारे लड़के क्रिकेट ही खेलते हैं, शौक बढ़ गया ज्यादा। हम ये कहते हैं कि हम मोदी जी से ये थोड़ा बहुत कहते हैं कि अगर वो एक दो खिलाड़ी को और भेजे या सचिन सर को और एक दो भेजे तो इधर को फौज की जरूरत है ही नहीं। फिर पुलवामा जिले की तमाम फैक्ट्रियां बेहतरीन क्वालिटी वाले क्रिकेट बैट बना रही हैं। ये एक ऐसी बढ़ती इंडस्ट्री में अपना योगदान दे रही हैं जो पुलवामा की आर्थिक तस्वीर को नई शक्ल देने को तैयार है। अनुमान है कि कश्मीर में लगभग 200 बैट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देती हैं। जो हम बैट बनाते बनता तो इधर ही है, कश्मीर में है। एक कश्मीर में मिलता है जिसको कश्मीर विलम कहते हैं और इंग्लैंड का बनता है जो इंग्लिश विलो जिसको कहते हैं। दो ही जगह बनते हैं, तो जैसे हमारा है हम अपने बताएंगे तो हमारा ऑल इंडिया में जाता है, पूरा ऑल इंडिया, चाहे कोई भी स्टेट हो तो हर जगह हम बैट भेजते हैं। और थोड़ा थोड़ा हमने अब आउट ऑफ कंट्री भी भेजना शुरू कर दिया, जैसे हमने इस साल लंदन भेजा है बैट, ऑस्ट्रेलिया भी भेजे हैं, अरब कंट्री में भी भेजे हैं। पिछले कुछ साल में कश्मीर घाटी पहुंचने वाले सैलानियों की तादाद बढ़ी है। ऐसे में कई टूरिस्ट अब यहां की दुकानों से सीधे ही बल्ले खरीदना पसंद करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारे कश्मीर के बैट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो मेरी एक क्यूरियोसिटी थी कि मैंने काफी क्रिकेट खेला है तो बैट्स देखूं, बैट्स को समझूं, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जानूं पूरा, हाउ रॉ मटेरियल टू एफजी इज क्रिएटेड। सो देखा, अच्छा लगा मुझे और बहुत कोऑपरेटिव हैं यहाँ सभी लोग, काफ़ी अच्छी तरह मुझे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताया और बैट्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। रेट कैसा है? रेट बहुत चीपर है, जो प्राइस हम लोगों को 10,000-12,000 में बैट पड़ता है वो यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल रेट में हम लोगों को पड़ रहा है। कश्मीर में बल्ले कश्मीरी विलों का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। दुनिया भर के क्रिकेटर सालों से इन बल्लों से क्रिकेट मैदान पर चौके छक्कों की बरसात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों से पहले बैट मैन्युफैक्चरों को उम्मीद है कि नई सरकार ज्यादा पेड़ लगाकर बल्लों के लिए विलों की सप्लाई बनाए रखने के लिए रणनीति बनाएगी। कश्मीर विलो जिसमें बैट बनाते हैं, ये जो पैड होता है जब भी हम उगाते हैं तो उसमें ये 30 साल लग जाते हैं इसको बनते बनते, तो इसलिए जो पहले हमारे दादा पर्दा होने लगाए थे वही हम काट रहे हैं, जो आगे थोड़ा कम लग रहे हैं। अगर गवर्नमेंट भी इस पे थोड़ा बहुत जोर दे दे तो वो भी, उनके भी प्लाट होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी प्लाट होते हैं वो भी लगाए, और जैसे ये इधर किसान लोग हैं वो भी बढ़ा दे, तो रेट भी इसका माशाल्लाह अच्छा ही है। तो हम ये कहते हैं कि इसको बढ़ाओ और आगे खत्म तो नहीं होगा लेकिन महंगा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पुलवामा उन 24 विधानसभा सीटों में शामिल है जहां पहले चरण में 18 सितंबर को वोटिंग होगी। चुनाव के नतीजों का ऐलान 8 अक्टूबर को होगा। कुछ वक्त पहले तक जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले को संघर्ष और फैली अशांति के लिए जाना जाता था। हालांकि अब यहां की तस्वीर बदली बदली दिख रही है। इस बदलाव की बड़ी वजह क्रिकेट है। इस खेल का जुनून अब कश्मीर घाटी के लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। यहाँ के उद्यमी इस कोशिश में जुटे हैं कि पुलवामा को मुसीबतों से घिरे इलाके के बजाय बेहतरीन क्रिकेट हब के तौर पर जाना जाए। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के इस साल फरवरी में इलाके के दौरे के बाद से क्रिकेट के सामान खासकर बल्ले बनाने वाली कंपनियों का कारोबार काफी बढ़ा है। जब से सचिन सर आए हैं तब से तो बिल्कुल ही अचानक ऐसा हो गया, सारे लड़के क्रिकेट खेलते हैं, शौक बढ़ गया ज्यादा। हम ये कहते हैं कि हम मोदी जी से ये थोड़ा बहुत कहते हैं कि अगर वो एक दो खिलाड़ी को और भेजे या सचिन सर को और एक दो भेजे तो इधर को फौज की जरूरत है ही नहीं। फिर पुलवामा जिले की तमाम फैक्ट्रियां बेहतरीन क्वालिटी वाले क्रिकेट बैट बना रही हैं। ये एक ऐसी बढ़ती इंडस्ट्री में अपना योगदान दे रही हैं जो पुलवामा की आर्थिक तस्वीर को नई शक्ल देने को तैयार है। अनुमान है कि कश्मीर में लगभग 200 बैट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देती हैं।
जो हम बैट बनाते हैं बनता तो इधर ही है, कश्मीर में है। एक कश्मीर में मिलता है जिसको कश्मीर विलो हम कहते हैं, और इंग्लैंड का बनता है जो इंग्लिश विलो जिसको कहते हैं। दो ही जगह बनते हैं, तो जैसे हमारा है हम अपने बताएंगे तो हमारा ऑल इंडिया में जाता है, पूरा ऑल इंडिया, चाहे कोई भी स्टेट हो तो हर जगह हम बैट भेजते हैं। और थोड़ा थोड़ा हमने अब आउट ऑफ कंट्री भी भेजना शुरू कर दिया, जैसे हमने इस साल लंदन भेजा है बैट, ऑस्ट्रेलिया भी भेजे हैं, अरब कंट्री में भी भेजे हैं। पिछले कुछ साल में कश्मीर घाटी पहुंचने वाले सैलानियों की तादाद बढ़ी है, ऐसे में कई टूरिस्ट अब यहां की दुकानों से सीधे ही बल्ले खरीदना पसंद करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारे कश्मीर के बैट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो मेरी एक क्यूरियोसिटी थी कि मैंने काफी क्रिकेट खेला है तो बैट्स देखूं, बैट्स को समझूं, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जानूं पूरा, हाउ रॉ मटेरियल टू एफजी इज क्रिएटेड। सो देखा, अच्छा लगा मुझे, और बहुत कोऑपरेटिव हैं यहाँ सभी लोग, काफ़ी अच्छी तरह मुझे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताया, और बैट्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। रेट कैसा है? रेट बहुत चीपर है, जो प्राइस हम लोगों को 10,000-12,000 में बैट पड़ता है वो यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल रेट में हम लोगों को पड़ रहा है। कश्मीर में बल्ले कश्मीरी विलों का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। दुनिया भर के क्रिकेटर सालों से इन बल्लों से क्रिकेट मैदान पर चौके छक्कों की बरसात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों से पहले बैट मैन्युफैक्चरों को उम्मीद है कि नई सरकार ज्यादा पेड़ लगाकर बल्लों के लिए विलों की सप्लाई बनाए रखने के लिए रणनीति बनाएगी। कश्मीर विलो जिसमें बैट बनाते हैं, ये जो पैड होता है जब भी हम उगाते हैं तो उसमें ये 30 साल लग जाते हैं इसको बनते बनते, तो इसलिए जो पहले हमारे दादा परदा होने लगाए थे वही हम काट रहे हैं, जो आगे थोड़ा कम लग रहे हैं। अगर गवर्नमेंट भी इस पर थोड़ा बहुत जोर दे दे तो वो भी, उनके भी प्लाट होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी प्लाट होते हैं, वो भी लगाए, और जैसे ये इधर किसान लोग हैं वो भी बढ़ा दे, तो रेट भी इसका माशाल्लाह अच्छा ही है। तो हम ये कहते हैं कि इसको बढ़ाओ और आगे खत्म तो नहीं होगा लेकिन महंगा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पुलवामा उन 24 विधानसभा सीटों में शामिल है जहां पहले चरण में 18 सितंबर को वोटिंग होगी। चुनाव के नतीजों का ऐलान 8 अक्टूबर को होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।